हेलो वेलकम टू केन स्टडीज आज हम सी ए 2020 एफ ए सी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं तो हम उनके लिए टू उसका पेपर वन वन का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे देखो कहीं ना कहीं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे वो आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है आप चीजों को देखोगे यदि बहुत बार रिपीटेड होता है बहुत बहुत बार और के बाद सारे concept, कुछ यानी कि जो questions पहले पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी ये डायरेक्ट दिया हुआ जाता है और कुछ क्वेश्चंस में आपको चीजें फैक्ट्स मिलेंगी देखो एक और चीजें जो करंट अफेयर्स था तो करंट अफेयर्स को हम आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे आज के कंटेक्स्ट में इन द सेंस की तब जो क्वेश्चन uh, पूछा गया वो तब के लिए रेलेवेंट था करंट अफेयर्स में लेकिन हम उसको आज के कांटेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल हो ठीक है तो ये आज हम uh, ये सेवन जो नेक्स्ट सेवन uh, जो फॉलोइंग सेवन क्वेश्चंस यानी आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट 2 एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो

तो ये हम आ, ये चार कोट्स uh, हैं और इसके आधार पे हम क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस्ड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट है द सोइल इन ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल नो ये आपका गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत है अब देखो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका आपका सीएपीएफ ये में पूछा गया सीडीएस में पूछा गया एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है सीडीएस में लेकिन हाल में पूछा गया एनडीए टू थाउजेंड सिक्स एनडीए एनडीए और सी टू टाइम्स एग्जाम लेता है तो ये 2016 शायद वन में पूछा गया है सी में पूछा गया है सी में और देखो सी और एनडीए में आपसे पहले पूछा गया यानी कि देखा जाए तो सी और एन और इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए आप सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं लेकिन वन टाइम ओवरव्यू आप देखो एनडीए करने की आपको जरूरत नहीं है लेकिन सीडीएस आपको करना चाहिए सिविल सर्विसेज का आपका सर्विस आई एस वाला है उसको करना चाहिए यदि आपका टाइम है एटलीस्ट लास्ट फाइव ईयर्स का और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बरबेटी में आ जाते हैं तो सोचो ये आपका सीएपीएफ में भी पूछा गया सीडीएस में भी पूछा गया एनडीए में सेम देर इज नो चेंज ठीक है ना कि ऐसा हो कि थोड़ा सा चेंज कर दे और ये यही क्वेश्चन सच उठा कर के पूछ दिया गया तो ये है प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स हाँ सही है देखो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स वो होता है जिसमें कि कंसिस्टेंटली हाई टेम्परेचर होता है अराउंड द ईयर एक तरह से और uh, जो रेन होता है अच्छा खासा बारिश अच्छा खासा होता है इम्पोर्टेंट ये होता है कि वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है और वहां का टेम्परेचर जो जो है यानी कि जो बेसिकली मौसम कह सकते हो वो मौसम मेनली जो डिटर्मिन होता है ह्यूमिडिटी के कारण नोट ड्यू टू टेम्परेचर एंड ऑल थिंग ह्यूमिडिटी के कारण मेनली होता है और तो सॉइल जो है ये हाइली फर्टाइल नहीं है ये लेस फर्टाइल है ठीक है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट कैमेलियन तो कैमेलियन चेंजेस इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग हाँ सही है देखो ये जो करता है ना कि इस ये डर जो फ़ियर होता है या फिर फूड के लिए या फिर एनिमी वगैरह इसे ये सेंस होता है तब तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है सेकंड है कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू फ्लोर नहीं ये आपका गलत है ये क्या होता है कि इसका जो अस्किन होता है तो वो उसके अस्किन के अंदर जो होता है पिगमेंट होता है अस्कीन के इनसाइड स्कीन पिगमेंट होता है ठीक है तो वो पिगमेंट जो होता है तो वो और उसके बाद एक लेयर होता है आपका गुआनिन का ये जो आपका बेस जो होता है ना डीएनए और आरएनए में बेस होता है जो तो, तो एडिनिन गुआनिन साइटोसिन आपका जो होता है थाइमिन ये डीएनए में होता है और आपका एक यूरासील होता है ये में आरएनए में ठीक है तो थाइमिन के जगह आपका यूरासील होता है आपका आरएनए में ठीक है ना तो ये के कारण जो गुआनिन होता है तो इनसाइड अ स्किन एक पिगमेंट होता है और गुआनीन होता है तो उसमें जो है उसके स्पेस गुआनीन का जो क्रिस्टल होता है ठीक है ना तो गुआनीन क्रिस्टल के बीच में स्पेस चेंज होने के कारण ये जो होता है ये इसके कलर जो अस्टीन का कलर है वो चेंज होता फ्लोरेसेंस के कारण ये नहीं होता है ठीक है तो इसका आंसर आपका इसका भी सी हो जाएगा नेक्स्ट है ओरिजिनली बीसी2 रेनबोस टुगेदर प्राइमरी रेनबो विद एन अदर लेस इंटेंस सेकेंडरी रेनबो अबाउट टेन डिग्री अवे तो ये करा कि हम सामान्यता क्या है कि दो इंद्रधनुष देखते हैं तो दो इंद्रधनुष देखते हैं तो जो फर्स्ट होता है वो मोर इंटेंस होता है यानी कि प्रॉपर तरीका से उसमें कलर जो होते हैं विजिबल होते हैं और जो दूसरा होता है वो लेस इंटेंस होता है वो लेस विजिबल होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दूसरा सेकेंडरी रेनबो ड्यू टू रिफ्रैक्शन आफ्टर एपियन रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन यहाँ देखो जो कह रहा है अबाउट टेन डिग्रीज अवे तो ये इसके कारण नहीं होता है इसमें ये तो स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये जो होता है ये पूरा कंप्लीट जो है कि टेन डिग्री अवे जो बनता है वो इसके कारण नहीं होता है ये स्टेटमेंट भी सेकेंडरी के लिए ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये जो टेन डिग्री अवे बनता है ये इसके कारण बनता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है तो जो सेकेंडरी रेनबो आपका जो होता है एक तरह से ना उसमें डबल रिफ्लेक्शन होता है और बहुत सारा अदर फैक्टर्स जो डिसाइड होता है वो उसके कारण ये होता है तो स्टेटमेंट ए भी वन भी सही है टू भी सही है लेकिन ये इसका कारण सही नहीं है तो स्टेटमेंट आपका ये जो आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा नेक्स्ट है, इन इंडिया विच वॉज असाइंड अ प्रिविलेज्ड पोजिशन बाई इट्स बेस्टर्न एजुकेटेड पोलिटिकल लीडरशिप डिफरेंट, बट ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द बेस्ट देखो ये जो है इंडिया में जो नेशनलिज्म एक तरह से स्टार्ट हुआ पहले देखो इंडिया में नेशनलिज्म जैसा कुछ नहीं था जब तक एक तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए तो नेशनलिज्म का वो सेंस नहीं था जो हम नेशनलिज्म को प्रॉपर यूरोपियन कंट्री से लेकर के अदर कंट्री में समझते हैं अदरवाइज देखो क्या था शुरू में ना कि इंडिया अ, एन नंबर ऑफ पार्ट्स में बटा हुआ था तो एवरी पार्ट इनफैक्ट आप जो देखो जितने भी पार्ट हैं जैसे देखो मराठा तो मराठा निजाम से फाइट कर रहे हैं और आपके मैसूर से फाइट कर रहे हैं ठीक है चंदा साहेब अनबार्दीन से फाइट कर रहा है तो एक दूसरे से लोग फाइट कर रहे हैं इस वजह से कि हमें पावर चाहिए आज इंडिया को आज नेशनल लेवल पे एक You, के तौर के कोई भी नहीं देखते थे सब लोग अपनी अपनी जरूरतें अपने अपने लोकल एरिया अपने अपने डिमांड अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करने में लगे हुए थे लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे राजा राम मोहन राय से लेकर के और सारे बहुत सारे दादा भाई नवरोजी ऐसे लोग जो आए तो ग्रेजुअली ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त किए और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन और जो आयरिश रिवोल्यूशन डिफरेंट जो जो दुनिया के अदर पार्ट पार्ट में में वेस्टर्न हुए इन्होंने सीख लिया लेकिन ये इंडियन नेशनलिज्म था वो डिफरेंट था देन वेस्टर्न नेशनलिज्म तो हाँ नो डाउट उनसे ही डेराइव हुआ था क्योंकि उनसे ही उन्होंने आइडिया लिया लेकिन इंडियन नेशनलिज्म वाज डिफरेंट देन वेस्टर्न फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट है इंडियन नेशनलिज्म उट आइडिया like हम no हमने उससे लिया लेकिन ये यहाँ थोड़ा डिफरेंट ये, ये कारण से था कि हम जो है कि वो रिस्पॉन्ड उन, उनके कारण हम वेस्टर्न के कारण परेशान थे

कि देखो जब कहीं भी आप रूल करते हो तो वहां के लोकल लॉ कस्टम्स ये सारे जानने होंगे तो हिंदू लॉ के लिए पंडित हेल्प कर रहे थे और मुस्लिम लॉ के लिए मौलवी तो स्टेटमेंट ए सही है हिंदू लॉ इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉ इन सेवनटीन ये गलत है देखो ब्रिटिश जो हिंदू लॉ जो है वो टू वेब्स में हुआ दो चरणों में तो पहला जो आपका 1772 से लेकर के 1864 तक पहला चरण फर्स्ट स्टेज दूसरा जो आपका है सेकेंड स्टेज जो है आपका वो 1864 से लेकर के आ, 1947 तो ये एक्चुअली स्टार्ट जो आपका 1772 में ही हो गया ये 1783 का रहा है तो ये गलत है और मुस्लिम लॉ इन 1785 ऐसा नहीं है ये कोई पार्टिकुलर एग्जैक्ट एक ईयर में ये नहीं हुए ये एक ग्रेजुअली मूवमेंट था मुस्लिम का भी आप देखोगे कि 1785 नहीं ये 1772 से मुस्लिम का भी स्टार्ट हो गया और ग्रेजुअली मूवमेंट होता रहा ये चलता रहा और इनफैक्ट जो आपका सरियत लॉ है प्रॉपर तरीका से वो नाइनटीन में ये किया गया तो इसका आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट दादा भाई नोरोजी आर्ग्यूड दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट बट पोटेंशियल सरप्लस दैट कुड जनरेट मिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्टेड इन इंडिया ठीक है दादा भाई नरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहे जाते हैं और वो थ्री टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और एक इकोनॉमिक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है यानी कि जो पैसा इंडिया में लगना चाहिए वो ब्रिटिशर्स अपने यहां ले गए तो दादा भाई नौरोजी जो थे उसके प्रोपाउंडर थे उन्होंने बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया नेशनल इनकम वगैरह को कैलकुलेट किया पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट किया तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ से ड्रेन कर रहे हैं वो इनफैक्ट हमारा पोटेंशियल सरप्लस होता और जिसको कि हम इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यदि हम उसे लगाए हुए होते तो इंडिया का विकास और हुआ होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है नेक्स्ट सेकंड है इंपीरियलिस्ट बिलीव्ड दैट इंडिया वाज ब्राउट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वाज इन इट सेल्फ अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन अब देखो इंपीरियलिस्ट जो थे वो बिलीव्ड दैट इंडिया वाज ब्राउट इनटू अ लार्ज कैपिटलिस्ट यानी एक तरह से फ्री मार्केट में जो है वो चीजें लाए और उन लोगों का यह कहना था कि ये मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा देखो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन ये दोनों रिलेटेड नहीं है ये यहाँ दादा भाई नौरोजी का है और ये यहाँ डिफरेंट देता है ये इनका आइडिया है और ये का तो दोनों अपने आप में सही है लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है तो इसका स्टेटमेंट बी हो जाएगा ये जो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज नाउ अनलाइकली टू बी बोर्न बाई एन इंडियन ऑथर सही सॉरी इंग्लिश ऑथर ये स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज फाउंडेशन ये बुकर प्राइज फाउंडेशन अनाउंस दैट द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज वाज टू इवॉल्व फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स इनटू प्राइज फॉर फिक्शन इन ट्रांसलेशन देखो पहले क्या होता था ना कि किसी भी ऑथर को ये इंग्लिश ऑथर को दिया जा सकता था अब क्या है कि एक्चुअल में वो ऑथर इंग्लिश ऑथर को नहीं दिया जाएगा एक तरह से वो आपका ट्रांसलेशन वर्क का दिया जाएगा ठीक है ना तो फिक्शन जो ट्रांसलेशन में होंगे no doubt, जो अब आज के में कोई भी जैसे बुक लिखा गया तो वो बुक एक हुआ कि ओरिजिनल ऑथर आपका जो था तो ओरिजिनल ऑथर आपका जो है मान के चलो कि इंग्लिश में है तो पहले उसको दिया जाता था टू थाउजेंड फिफ्टीन तक अब क्या है कि कोई भी दूसरे लैंग्वेज में सपोज हिंदी बंगला या जर्मन फ्रेंच किसी में भी लिखा गया लेकिन उसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में होगा तो अब जो है एक्चुअल जो दिया जाएगा वो दूसरे ऑथर को दिया जाएगा और इंग्लिश वाला जो होगा वो ट्रांसलेट जो करेगा उसको दिया जाएगा तो इंग्लिश के ऑथर को नहीं दिया जाएगा देखो ऑथर जो है जिसने ओरिजिनल बुक लिखा लेकिन इंग्लिश में उनको दिया जाएगा डो तो, ट्रांसलेट देखो दो चीजें एक ने बुक लिखा मान के चलो हिंदी में किसी ने बुक लिखा और किसी पर्सन ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया तो एक्चुअली जो है वो हिंदी का है और ट्रांसलेटर जो है इंग्लिश का है तो इंग्लिश वाले ट्रांसलेटर को मिलेगा और तो हाफ हाफ प्राइज मिलेगा जो ओरिजिनल ऑथर है उसको मिलेगा और हाफ ट्रांसलेटर को मिलेगा तो ये जो आपका ए है दोनों यानी कि सही है नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज नोट करेक्ट देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक एम्बिस स्कीम है और इनफैक्ट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए हेल्थ हजार को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा स्कीम है टारेट so, रखा गया था फिर उसके बाद इसे बढ़ा करके फाइव करोड़ से आपका एट uh, करोड़ कर दिया गया तो फर्स्ट सही है दिस स्कीम लॉन्च इन टू थाउजेंड फिफ्टीन नहीं ये स्कीम जो है आपका टू थाउजेंड सिक्सटीन में फर्स्ट में 2016 को लॉन्च किया गया तो ये स्टेटमेंट गलत है यानी आंसर आपका बी हो जाएगा बी आंसर आपका नेक्स्ट द गवर्नमेंट अ टारगेट ऑफ फाइव करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर द योजना देखो ये इनिशियली ये तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तब ये सही था अब आप अपडेट कर ले ये एट करोड़ हो गया था करोड़ ठीक है सिक्सटीन जो है सब्सिडी मिलता है तो

20 में देखो ये यहाँ 2016 का पूछ रहा है लेकिन एक्चुअली वो 2017 में पब्लिश हुआ था और आपका एग्जाम भी 2017 में हुआ था अभी 2019 का जो पब्लिश हुआ है 2020 में तो इसमें जो आपका लिस्ट जो आ, करप्ट है वो आपका आ, ये है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लिस्ट करप्ट है और सेकंड में आपका डेनमार्क जो है डेनमार्क सेकंड रैंक पे है तो फर्स्ट रैंक पे न्यूजीलैंड और सेकंड पे डेनमार्क और इंडिया का जो रैंक है वो 80 है है इंडिया का रैंक तो so देखो बहुत सारे जो है, उसे हम करंट में देखेंगे और उससे फायदा होगा ना कि आप करंट चीजों को ये कर लो अब मान के चलो कि वो फर्स्ट नहीं आएगा सपोज ये आ गया कि इंडिया का रैंकिंग क्या है या इससे संबंधित कुछ और डेटा आप ये में एस वगैरह में भी रिपोर्ट राइटिंग आर्गूमेंट में भी आप uh, लिख सकते हो ठीक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तो ये केस अन्थानम, केस अन्थानम कमिटी के संस्थानम के संस्थानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था और ये 1964 में सॉरी 1964 में रिकमेंड ये कंस्टिट्यूट हुआ और 2003 में इसको आपका इंस्टिट्यूटरी स्टेटस दिया गया यानी संवैधानिक अधिकार दिया गया पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट नाइंथ शेड्यूल वाज एडेड फर्स्ट अमेंडमेंट तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ वो आपका फर्स्टमेंट आपका मतलब होता है ना कि जो नाइन्थ शिड्यूल में किसी भी लॉ को रखा गया तो उसको जो है की आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज एक तरह से कोर्ट उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती है लेकिन ये जो आपका है वो 1973 जो केशवानंद भारती का जो है जजमेंट है 24th ऑफ अप्रैल uh, 24th ऑफ अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ uh, केरला जो था उस केस तक जो डेट था वहां तक uh, के जो भी केस रखे गए थे उनको आपका ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो लेकिन उसके बाद के जो भी केसेस नाइन्थ शेड्यूल में भी रखे गए हैं वो ज्यूडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट जो है वन ऑफ 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 द द द द फॉलोइंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इंडिया डील्ड विद इशू क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट इस बार के लिए भी अभी भी रिलेवेंट है क्योंकि जो भी कुछ चीजें हो, हो रही है रिजर्वेशन को लेकर के रेगुलर चीजें चलती रहती है तो अभी भी ये आपका इंपॉर्टेंट uh, है

प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है सरदार पटेल की जगह मौलाना आजाद जवाहरलाल नेहरू थे द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर सही है ये द मिशन ऑफर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर ये भी सही है आपका नेक्स्ट जो है Which one of the following statements about the Treaty of Allahabad is not correct? तो देखो को Treaty of Allahabad आपका 1765 uh, में हुआ uh, Battle of Buxar के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसके बाद जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो कंबाइंड आर्मी ऑफ अवध आपका बंगाल और शाह आलम टू ये फाइट किए और ब्रिटिश ने तीनों को डिफीट किया

अलाहाबाद और कोरा डिस्ट्रिक्ट जो था वो आपका जो है वो एक तरह से मुगल इम्पेयर शाह आलम को टू को दिया गया और बनारस जो था वो ऑलरेडी शाह आलम के टू के अंदर ही था वो उसको रिस्टोर किया गया इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि आप उससे रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को भी पेमेंट करेंगे तो ये आपका गलत है तो यानी आंसर आपका डी ही है नेक्स्ट

रिटर्न ऑफ कंफिसकेटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू थर्ड पार्टी सही है नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ़ 18% सीट्स फॉर क्लास देखो ये जो है ये कम्युनल अवार्ड में किया गया था जिसके लिए गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ किया आपका पुना पूना पैक्ट जो हुआ तो पूना पैक्ट में ये हुआ तो स्टेटमेंट डी गलत है यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा डी ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स बोन दुलिजर प्राइस For the year 2017 2017 तो तो देखो वो 2017 का यदि आप देखोगे तो ये रेल रोड था लेकिन हमको जो लेटेस्ट का देखना है तो latest जो 2020 है उसका मे में डिक्लेन हुआ है तो निकल बॉय है निकल बॉय ठीक है ये लिखा गया है आपका कोलोशन कोल Whitehead. Colson Whitehead के द्वारा लिखा गया है। आपका nickel boys, है आपका ठीक तो ये देखो, 2017 में जब था तो वो अंडरग्राउंड रेलवे रोड था वो आपका uh, 17 के लिए सही अब 2020 के लिए आपका ये है निकेल बॉयज कोल्सन वाइट हेड के द्वारा लिखा गया तो देखो आपको अपडेट करना है उस चीज को

कभी मैं जैसे सिलचर जाता था ना सिलचर में मैं कुछ दिन रहा था तो सिलचर में ट्रेन से गया था थ्री टाइम्स में ट्रेन से वहां गया तो उसमें क्या था ना कि आपका जो लुमडिंग जो आपका गुवाहाटी गुवाहाटी जो है और वहां से जो लुमडिंग है तो वो रेलवे लाइन जो है उसी में वहां करीब 19 किलोमीटर के डिस्टेंस से नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट जो है 2017 ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पैसिफिक रीजन आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ठीक है ना बी 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 इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर पार्लियामेंट है टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट थ्री ऑफ दिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि फंडामेंटल राइट के संबंध में यह कह रहा है तो ये गोलकनाथ वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब था वो उस केस में कहा गया था बाद में देखो ये चीजे है बाद के जजमेंट में केशवानंद भारती जजमेंट और जो अदर जजमेंट हुए तो ये कह रहा है की ये अर्ली प्रोविजन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये शायद था तो इसमें कहा गया कि देखो जो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर पार्ट थ्री का अधिकार नहीं है लेकिन बाद के जजमेंट में इसको पलट दिया गया पलट दिया गया कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है दे, आ, हाँ, बस वो चीज होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए तो इसका आंसर भी हो जाएगा देखो इस बीसो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं हाँ देखिए देखो पूरा डिटेल आपको देखना होगा पूरा डिटेल वीडियो को जब देखोगे

आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी इशू है 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 और प्रीवियस ईयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ बार आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है कुछ बार बहुत सारी चीजों में तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका बहुत फायदा होगा और ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूँ कि एक एक दो दो मार्क्स बहुत मायने रखता है ये आपको अभी नहीं पता चलेगा जब रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है कि कास, कास, दो मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया हुआ होता तो हम हमिस्ट्रेड ऑफिसर थ्री स्टार ऑफिसर हो गए हुए थे और वही दो मार्क्स तो आप इस चीज को करते रहो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिसन नाइस डे